नमस्कार, मैं हूँ सुवर्णा सोनजी और आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ हैदराबादी पनीर। उसके लिए लगने वाला सामान, पालक, धनिया, दो मीडियम साइज प्याज, अदरक, लहसुन, दो हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, एक बड़ा सा टोमेटो, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, मलाई, बटर, नमक, 200 ग्राम पनीर, स्वाद के लिए थोड़ी सी शक्कर, हल्दी, हींग, जीरा, इलायची, दो चम्मच तेल, तेजपत्ता और जीरा पाउडर। अभी हम लोग तेल में ये जो खड़े मसाले हैं ये फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक हम उसको भून लेंगे। अभी हम इसके अंदर टोमेटो ऐड करेंगे। अभी हम इसमें पालक ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हम पालक थोड़ा काट लेंगे और जब पालक अच्छे से थोड़ा पक जाए तो उसमें हम धनिया डाल देंगे। अभी हम तेज पत्ता निकाल के इसकी प्यूरी बना लेंगे। अभी हम पानी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें बटर डालेंगे। अभी हम इसमें राई, हींग और कड़ी पत्ता डाल के तड़का लगाएंगे। अभी हम इसमें ये बनाई हुई प्यूरी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें बटर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, मलाई और नमक डालने वाले हैं। अभी हम इसमें पनीर डालेंगे। अभी हम इसमें बचा हुआ बटर डाल देंगे। अच्छे से पकने के बाद अपनी सब्जी रेडी। पूरा सब्जी हो गया। अभी अपनी हैदराबादी पनीर रेडी हो गई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज
मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।